भाइयों राम राम। आज छोटे से बुलावे पर भाई धर्मवीर जी के चुनावी सभा में आपके हजारों की संख्या माताएं बहनें मेरे कार्यकर्ता आपकी भीड़ को देख करके मैं झुकता हूं, नमन करता हूं। हमारे बहुत ही तपस्वी मनोहर लाल जी का कल जन्मदिन था। मैंने कल इनको बधाई नहीं दी। मैंने कहा आज ही मैं अकेला बधाई नहीं देना चाहता, लोहारू की हजारों जनता आपको बधाई देगी क्योंकि आपने लोहारू के लिए काम किया है। देखो भाई, हम तो एक चीज़ मानते हैं कि लोहारू का आदमी खुददार है, ईमानदार है और जिसने किया हुआ है उसका रखता नहीं है। पहले भी मुख्यमंत्री जी आए, हमने पहले बताया था कि ये बनु भूमि की जनता सालों साल तक चौधरी बंसीलाल के पीछे रही और अब आपने जो सूखी नहरें थी उन नहरों में पानी दिया है। ये जनता, ये हाजिरी, चुनावी हाजिरी दिखाती है कि आप मनोहर लाल जी के साथ हैं। हमारे मंच पर बैठे सभी नेतागण, मेरे सांगवान साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष सारे, हमारे जिला के अध्यक्ष मुकेश गोड जी, यहाँ के सांसद धर्मवीर जी, जिला पार्षद और मेरे साथी शमशेर खड़का जी, हमारे जितने भी साथी हैं मंडल, सारे वरिष्ठ नेता हैं और ये छायाकार पत्रकार साथियों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ भाई। 15 साल तक आपके बीच में बगैर मांगे सेवा की है, कभी कोई आपसे अपेक्षा नहीं रखी। मैं एक ही चीज चाहता रहा कि लोहारू का मान सम्मान बढ़े, लोहारू के किसान की आमदनी बढ़े, लोहारू के गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर हो, उसके लिए लड़ाई लड़ी है। आज मैं आपसे हाथ जोड़ करके मांग रहा हूं, मैं इस हल्के के प्रार्थना करता हूं, अगर आप मेरी सेवा को स्वीकार करते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आपके भाई ने सेवा की है, तो भाई आप जो जो है इस लोकसभा के अंदर, ये मोदी जी का चुनाव है, ये हरियाणा का चुनाव नहीं, धर्मवीर का चुनाव नहीं, जेपी दलाल का चुनाव नहीं, मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने लोहारू जैसे पिछड़े इलाके को आगे बढ़ाया है और आपके भाई को पहली बार एमएलए को इतनी जिम्मेदारी दी है, कृषि मंत्री बनाया और अब जो है खजाना मंत्री बनाया, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि लोगों, बहुत सारे लोग अभी घूमते हैं, कई भाइयों को तकलीफ है, कोई नौकरियां ले जाते थे गरीब की, गरीब का हक छीन ले जाते थे, कईयों को लगता है कि पुरानी व्यवस्था आ जाएगी, कईयों को लगता है कि कांग्रेस आ जाएगी, कभी नहीं आने वाली कांग्रेस, कभी ऐसा नहीं होने वाला। गरीब का जो एक एक वोट है वो कमल के निशान पर जाएगा। ये भ्रमित करने वाले लोगों से आप सावधान रहें, इनके गुमराह करने वाले लोगों से सावधान रहें। मैं तो एक चीज कहता हूं कि 5 साल देश में मोदी जी जरूरी हैं और 5 साल अगर आप इस लोहारू हल्के के अंदर भारतीय जनता के पार्टी के हाथ में कलम रखेंगे तो आपकी काया पलट कर दूंगा, मैं दावा करता हूं। बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में हैं। मनोहर लाल जी ने नहरों के पानी राजस्थान में देने के बात की, बहुत बड़ा, मैंने कहा जी ये पानी जा रहा है, 3 पाइप राजस्थान में देते हैं तो 1 पाइप हमारे लोहारू को दे दो। और हजारों करोड़ रुपए लग करके इस मरुभूमि में के अंदर जो चौथा हिस्सा का पानी आएगा, मैं समझता हूं कि आने वाले 10 साल 15 साल में क्या नतीजा निकलेगा। हमारी कोशिश है कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बने, हमारी कोशिश है कि लोहारू से सीधी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट की हो, लेकिन ये सब करने के लिए आपको बगैर भाई भतीजाबाद, भाई बगैर इलाकाबाद, हो सकता है कि मेरे से कोई कमी हो गई हो सकता है कि धर्मवीर से कमी रह गई हो सकता है हमारी सरकार से कमी रह गई हो, लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं है। हमारी नीयत यह है कि लोहारू के गरीब के लिए, लोहारू के किसान के लिए जी जान से लगे रहे। मैं प्रत्येक भाई से प्रार्थना करता हूं कि बच्चा बच्चा
कोशिश करो। और मुझे भाई एक चीज बताता हूं, अगर आपने अगर इस चुनाव में कोई गड़बड़ कर दी, कमी छोड़ दी, तो भाई आप जेपी दलाल को खोदोगे। ये देख लेना कि जेपी दलाल के खिलाफ वोट जा रहा है, ये कुछ और के खिलाफ वोट नहीं जा रहा। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से मैंने आपकी 15 साल सेवा की है, टिड्डी आई तो आपके बीच में पाया, कोरोना आया तो आपके बीच में पाया, कभी मैं दिल्ली की या चंडीगढ़ के कोठियों में नहीं रहा, हमेशा आपके बीच में रहा हूं। और आगे भी वायदा करता हूं कि आप अगर लोहारू की इज्जत को बढ़ाओगे तो लोहारू की कलम जो आज है उससे भी ताकतवर होगी, लोहारू की कलम कमजोर नहीं होगी। और लोहारू की कलम जो है लोहारू के गरीब के लिए, लोहारू के किसान के लिए, लोहारू के आम आदमी के लिए काम आएगी। मैं मोटे मोटे काम बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों के अंदर आपने मार्केटिंग बोर्ड की लगभग 402 करोड़ रुपए की सड़कें बनी, खेड़ा में 28 करोड़ रुपए की मंडी बनी, नहरों का नवीकरण 400 करोड़ रुपए का हुआ, जन स्वास्थ्य के काम 300 करोड़ रुपए के हुए, इसी तरह के गांवों का सेंटर 8.5 करोड़ रुपए का हुआ, गोकल प्ले यहाँ यूनिवर्सिटी